हेलो गाइस, आपका गेमिंग सुन बैठे टूचन में स्वागत है। तो आज आपको मैं इस मंथ की मतलब कि सितंबर के मंथ में जो गेम्स रिलीज होने वाली है मैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये जो गेम्स कब आ रही हैं और ये गेम्स कैसी होंगी और कुछ मेरे थॉट्स जो मैं इस वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो यार चलते हैं अपनी पहली गेम पे, वो है आरागामी 2। आरागामी 2 आपकी सितंबर 17 को आ रही है। इस गेम से पहले आपकी आरागामी 1 भी आ चुकी है और आरागामी 1 मैंने खेल रखी है, इसलिए मैं आरागामी 2 के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को आरागामी 1 का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा था। वैसे इस गेम में हम एक निंजा होते हैं, टू बी स्पेसिफिक बोलूँ तो हम इसके अंदर शैडो निंजा होते हैं। शैडो निंजा इसलिए क्योंकि हमें मेजोरिटी ऑफ टाइम अपना शैडोज में रहना होता है, क्योंकि ये एक स्टेल्थ गेम है, एक्शन स्टेल्थ गेम इसको बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये जो गेम का कॉन्सेप्ट है जो मेरे को बहुत ही ज्यादा फन लगा है, मेनली आपको शैडो टू शैडो जंप मारना होता है, इनविजिबल होना होता है, इधर उधर के मिशन हैं, बढ़िया रहता है, बढ़िया गेम प्ले लगा था मेरे को। और आप भी, अगर आपको आरागामी 2 के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं तो आप आरागामी 1 को जरूर से ट्राई आउट कर सकते हो। अराउंड 70-80 रुपीज के बीच में आती है सेल में, मैंने इतनी रुपीज की खरीदी थी तो यार मेरे को बढ़िया लगी थी और अच्छी गेम भी है ये। तो आप भी आरागामी 2 को अपनी विशलिस्ट में डाल सकते हो, सितंबर 17 को ये गेम आ रही है। एंड जो नेक्स्ट गेम है वो है आपकी न्यू वर्ल्ड। ये जो गेम है आपकी सितंबर 28 को आएगी और ये जो गेम है आपकी सिर्फ पीसी में आने वाली है। ये गेम आपकी अमेजोन स्टूडियो की तरफ से आ रही है, अमेजोन की तरफ से आ रही है और बहुत ही ज्यादा हाइप बोलो या कॉन्ट्रोवर्शियल गेम बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये गेम आपकी ऑनलाइन इंटरनेट में बहुत ज्यादा ही बातचीत में आती रहती है। अगर आपने इसका रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपने इसका मीम देखा हो तो लोग बोलते थे कि ये गेम आपकी 3080 में भी नहीं चलती है या आपकी ग्राफिक कार्ड को फुकवा देगी, ऐसा कुछ समथिंग इस गेम के ऊपर मीम चलती हैं। तो ये गेम अलग अलग तरीके से अपने आप ही फेमस है। ऑब्वियसली आपकी अमेजोन की स्टूडियो से आ रही है, उनकी सेकंड गेम मैं बोल सकता हूँ, जो इनकी जो अमेजोन स्टूडियो की जो पहली गेम थी उसका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। वो गेम तो एकदम डेड हो गई थी, उसके बाद उस गेम को बंद ही कर दिया, स्क्रैप कर दिया गया था उस गेम को। एंड जो आपकी ये जो गेम है न्यू वर्ल्ड, ये आपकी एमओमओ गेम होने वाली है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एमओमओ मतलब मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन, इसके अंदर बहुत सारे लोग ऑनलाइन रहेंगे। मे बी ये गेम आपकी फेमस होना हो, बट ये स्टार्टिंग के टाइम में स्ट्रीमर्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकती है, क्योंकि एमओमओ है तो बड़े बड़े जो स्ट्रीमर्स है ट्विच में इसको साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो आप लोग भी देखोगे, क्योंकि अमेजोन है तो ऑब्वियसली प्रमोशन तो करेगा इस गेम का। थोड़ी सी महंगी गेम है ये, मेरे को इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी याद नहीं है, 3000 रुपीज की शायद से ये गेम, तो थोड़ी महंगी मेरे को लग रही है, बट लेट्स सी कितना पॉपुलर होगी और कैसी गेम है ये एट द एंड आएगी। तो आप लोग इसको अपने विशलिस्ट में डाल सकते हो 28 के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ आ रही है। एंड जो नेक्स्ट गेम है, ये गेम वन ऑफ दी हाइप्ड गेम्स मैं बोल सकता हूँ इस मंथ के लिए, जो है आपकी डेथलूप। डेथलूप आपकी पीसी एंड PS5 में आएगी। मेनली जो गेम आपकी शोकेस हो रही थी PS5 के लिए शोकेस हो रही थी, बाद में पीसी के लिए आ रही है या पहले से पीसी के लिए डिसाइडेड थी वो एक अलग बात है। ये जो गेम है आपकी सितंबर 14 को आ रही है, मतलब मिड ऑफ सितंबर में आ रही है, तो बढ़िया ही है। और ये गेम भी आपकी अलग अलग रीजन से बहुत ज्यादा हाइप है, क्योंकि पहले तो ये आर्केन स्टूडियोज की तरफ से आता है, आर्केन स्टूडियो और आपका बेथेसडा का पब्लिशर है। अगर आप लोगों को आर्केन स्टूडियोज के बारे में नहीं पता तो आर्केन स्टूडियोज ने आपकी डिसऑनर्ड सीरीज बनाई थी। डिसऑनर्ड सीरीज आपकी वन ऑफ दी पॉपुलर एक्शन स्टेल्थ गेम है, बहुत सारे लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप लोगों ने अभी तक डिसऑनर्ड ट्राई नहीं किया तो जरूर से आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। और ये गेम भी आपकी आर्केन स्टूडियोज की तरफ से आ रही है, लोग बोल रहे कि कुछ ज्यादा ही आर्केन स्टूडियोज वाला ही फील देती है, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर हम मेनली इसके गेम प्ले की बात करें तो इसके अंदर हम असैसिन होते हैं और टाइम लूप के अंदर फंसे हुए रहते हैं, और मेनली इसके अंदर हमारा टाइम लूप का ही चक्कर होता है, स्पेशल यूनिक पावर्स होती है। और बहुत सारे लोग बोल रहे कि इसके अंदर बढ़िया बढ़िया न्यू यूनिक गन्स हैं, जो कि अगर हम लोग खेलेंगे तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो डेथलूप इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हो रही है और ऑब्वियसली PS5 की एक्सक्लूसिव होने वाली थी, पीसी के लिए भी आ रही है, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। और अगर मैं इस गेम की प्राइसिंग के बारे में जाऊं तो बढ़िया गेम की प्राइसिंग भी लग रही है मेरे को, 2500 रुपीज की मिल रही है ये स्टीम के अंदर, तो मैं बोलूंगा कि ठीक ठाक प्राइसिंग है। क्योंकि अगर हम बोले तो एक अनफिनिश्ड गेम जैसे कि साइबरपंक 2077 आपको 3000 रुपीज में मिल सकती है, उसके बाद एकदम ही $10 के अंदर मिलती है आपकी प्लेस्टेशन स्टोर के अंदर, तो 2500 रुपीज इस डेथलूप के लिए मेरे को लग रहा है कि सही है। एंडिया, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, भूलना मत। एंड जो नेक्स्ट गेम है जो मैं इस लिस्ट में सबसे टॉप पे रखूंगा वो है आपकी केना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स। इस गेम के बारे में आपको क्या बोलूं, ये जो गेम है आपकी सितंबर 21 को आ रही है। ये जो गेम है आपकी सबसे पहले PS5 की शोकेस में दिखी थी, जब PS5 का लॉन्च होने वाला था आई गेस, हाँ तब मैंने इसको देखा था केना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स को, और मैंने बोला था भाई PS5 में क्या सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल गेम्स आ
आ रही है, बट फिर बाद में पता चला कि ये गेम आपकी पीसी में भी आ रही है। और जब मैंने सबसे पहले इसको एपिक गेम स्टोर में देखा कि ये एपिक गेम स्टोर की एक्सक्लूसिव गेम होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। मेरे को इस गेम का जो लुक है और एटमोसफेयर है, मेरे को उसका ट्रेलर में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। अब मैं बोलूंगा कि आप जरूर से इस गेम को अपनी विशलिस्ट में डाल दीजिएगा। ये गेम आपकी एपिक गेम स्टोर के अंदर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा चीप है आई गेस। ये 950 रुपीज की गेम है, 950-980 रुपीज की गेम है ये। और जो इसके कुछ ओवरव्यू जो लोग दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये गेम आपकी जेल्डा से थोड़ी सिमिलर टाइप की लग रही है लोगों को। तो हाँ, जो इसके जो डेवलपर्स हैं वो जेल्डा के साथ उनका कुछ पास्ट रहा है, जेल्डा की तरफ से उनका कुछ प्रोजेक्ट्स रहे हैं, तो हाँ लोग बोल रहे हैं कि जेल्डा जैसा है, तो समझ में आ रहा है। बट ये जो मेनली ये जो गेम है आपकी एक आरपीजी गेम है, इसके अंदर हमारा स्पिरिट वाला फैक्टर होता है। और जो इसके अंदर आप देखोगे तो यही छोटे छोटे जो ब्लैक ब्लैक थिंग्स हैं, ये नहीं कहा है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा मैंने इस गेम के ऊपर ज्यादा रिसर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता नहीं कि थोड़ा ट्रेलर भी या रिसर्च करके मैं अपना स्पॉइलर टाइप का लूं, क्योंकि मैं इस गेम को जरूर से खेलना चाहूंगा। और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेनली इतना गेम्स को रिलीज डेट पे या एकदम अर्ली गेम्स खेलना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग थोड़ा वेट करके खेलते हैं, वो लोग भी इस गेम को फर्स्ट डे पे खेलने की सोच रहे हैं। तो या बहुत ज्यादा हाइप हूं मैं इस गेम के लिए, 21 सितंबर को आ रही है ये, तो या इस गेम के लिए भी जरूर से हाइप अप और वेट कर सकते हो। और कुछ मैं एक्स्ट्रा मेंशन कर दूं जो कि मैं इस लिस्ट में मैं ऐड कर सकता था, बट मैं उनको खुद से नहीं खेल पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि उनको एक्स्ट्रा मेंशन के ऊपर ही ऐड कर देता हूं, जो कि है पहले लाइफ इज स्ट्रेंज ट्रू कलर्स। लाइफ इज स्ट्रेंज की सीरीज की ये गेम है, ये एक स्टैंड अलोन गेम है, तो आपको इसको इसके पहले के जो दो पार्ट है उनको खेलने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रू कलर्स में आपकी मेनली आपकी सुपर नेचुरल पावर टाइप की गेम होती है और आपकी डिसीजन मेकिंग वाली गेम्स होती हैं। आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आपकी आगे जाकर के स्टोरी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। तो या अगर आप लोगों ने लाइफ इज स्ट्रेंज के बारे में नहीं पता तो इसके लाइफ इज स्ट्रेंज 1 आप जरूर से खेल सकते हो। एंड जो नेक्स्ट गेम जो इस मंथ में आने वाली है वो है एक लॉस्ट जजमेंट। मैं इस गेम को खेलना चाहूंगा बट ये गेम आपकी पीसी में नहीं आ रही है, ये गेम आपकी सिर्फ पीएस एंड एक्सबॉक्स में आ रही है। तो पीएस एंड एक्सबॉक्स वालों के लिए बढ़िया गेम है ये, जरूर से खेलिएगा। याकुजा सीरीज की ये गेम है तो आप लोगों को शायद से अच्छी लग सकती है। एंड जो नेक्स्ट गेम है ये मल्टीप्लेयर लोगों के लिए गेम है, ये है आपकी टॉम क्लैंसीज रेनबो सिक्स एक्सट्रैक्शन। अगर मैं इस गेम की प्राइसिंग के ऊपर बोलूं, जो मैंने अभी रिसेंटली देखी थी 3000 रुपीज की मेरे को दिख रही थी प्री ऑर्डर में, तो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लग रही थी। आई गेस मैंने सुन रहा था कोई रेनबो सिक्स गेम फ्री टू प्ले भी आने वाली है, बट ठीक है। बट जो भी है ये गेम के ऊपर भी आप देख सकते हो, अगर आप लोग रेनबो सिक्स सीज के फैन हो, अगर आप लोगों को वैसे गेम्स खेलना पसंद है तो आप लोग भी इस गेम के ऊपर नजर रख सकते हो। तो बस ये लिस्ट यहीं तक थी। अगर आप लोगों को ये मेरा आइडिया जो है पसंद आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता तो मैं इसको फ्यूचर के लिए भी कंसिडर करूंगा बनाने के लिए, तो यार जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की अफिलियट लिंक मिल जाएगी, उससे कुछ भी शॉपिंग करोगे तो चैनल को ही सपोर्ट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।